सब कैसे हैं? आज मैं सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। सिखाऊंगी ये दिल शेप में डोरमेट। ये देखें, इस तरह से मैंने बनाया है इसको। और मैं शुरुआत ही से बताऊंगी, ये देखें 16 फिंदे मैंने ये येलो के डाले हैं और 3 फिंदे मैंने ये रेड के डाले हुए हैं, तो टोटल मेरे पास 19 फिंदे हैं। तो देखें किस तरह से बनेगा। एक फिंदे को उतार लिया मैंने, यहाँ पे देखें ये हमने इधर साइड किया बैक साइड। अब येलो को फिंदे को बिनना है, तो किस तरह से बिनेंगी, यहाँ पे इस तरह से, ये देखें। तो यहाँ पे हमें जाली एक बनानी है, एक एक जाली बनाएंगे। तो एक एक फिंदे को हम नीचे की साइड से बगैर बुना हुआ छोड़ देंगे। ये देखें एक फिंदे को छोड़ दिया है, उस सिलाई को पलट लिया है। जो जाली वाला फिंदा है वो मैं पीले से बिनूंगी। बैक साइड कर दिया हमने धागे को और रेड साइड आगे के ले आए। ये देखो, और तीनों फिंदा हम इसी रेड से बनाएंगे। इसे देखें, एक उतारा, ये दो फिंदे इस तरह से बिन लिए। अब यहाँ पे देखें फिर से इस तरह से हमने बैक साइड ये धागा पीला वाला कर लिया और इस तरह से इसको हम अंटा हम नीचे की साइड से लगाएंगे, ऊपर की साइड से नहीं लगाएंगे, ये नीचे की साइड से अंटा लगाएंगे, फिर जाली को डालेंगे। इसी तरह से हमने दो जाली डालनी है, दो फिंदे बढ़ा लिए हैं और दो फिंदे नीचे की साइड पे छूट जाएंगे। तो इसी तरह से हमें 8 फिंदे बढ़ाने हैं यहाँ पे और 8 फिंदे नीचे की साइड पे पीले से छोड़ने हैं। और छोड़ेंगे एक एक करके, जिस तरह से हमें फिंदे को बढ़ाना है उसी तरह से हमें एक एक फिंदे को नीचे की साइड से छोड़ना है। ये देखिएगा हमने छोड़ दिया है और सिलाई को पलट लिया है। तो इसी तरह से मैं 8 फिंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने 8 फिंदे नीचे की साइड पे छोड़ दिए यहाँ तक और ऊपर 8 फिंदे बढ़ा लिए हैं ये जाली डालते हुए। अब देखें यहाँ से मैं 8 फिंदे कम करूँगी, ये देखें 2 का 1 करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फिंदे घटा दिए जो हमने बढ़ाए थे। अब यहाँ पे देखें जो 3 फिंदे हमने डाले रेड से वो वाले, ये 3 फिंदे वो हो गए। अब 8 बचे हुए हैं, तो ये हम बैक साइड करेंगे। यहाँ पे फिर से जाली बनाएंगे, फिर से हम एक एक करके फिंदे को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखें एक फिंदे को फिर से हमने छोड़ दिया, नीचे के 8 फिंदे छूटे हुए हैं जो हमने ये वाली कली बनाई हुई है। अब ये 8 फिंदे हैं तो हम 8 फिंदे और बढ़ा लेंगे तो ऊपर वाली कली बन के तैयार हो जाएगी। और ये एक एक करके फिंदे हम
इसी तरह से छोड़ते रहेंगे। ये जो 16 फंदे हमने डाले हुए हैं, ये 16 फंदे इसी तरह से एक एक करते हुए छूट जाते हैं बगैर बुने हुए। देखो सिलाई को पलट लिया है मैंने। अब इसको फिर से देख लें, इस तरह हमने किया और इस पे हमने इस तरह से किया, ये देखें इस तरह से। तो दो फिंदे हमने फिर से बढ़ा लिए हैं, इसी तरह से 6 फिंदे और बढ़ाने हैं और ये एक एक करते हुए बगैर बुने हुए हम छोड़ते जाएंगे। तो ऊपर तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने ऊपर की साइड 8 फंदे बढ़ा लिए और इधर 8 हमने छोड़ दिए। 8 पहले की साइड में जब ये वाला बनाया था तब 8 छूटे थे, अब ये वाला बनाया है तो 8 छूट गए हैं और 8 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। अब देखें फिर से हम दो का एक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बढ़ा ली वो घटा दिए और ये देखें 3 इस तरह से बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से हमें स्टार्ट करना है, ये सारे फंदे हम ग्रीन कर लेंगे। तो 16 फंदे हमने नीचे की साइड पे डाले, वो 16 ग्रीन हो जाएंगे। आगे का इसी तरह से मैं बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से ये 16 हो गए। अब इधर से बिनते हुए जाएंगे यहाँ तक, फिर उधर की साइड पे यहाँ पे एक फंदे को बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक फंदे को मैं छोड़ूंगी। ये नीचे की साइड पे है, ये ऊपर की साइड पे है, तो ऊपर की साइड पे फंदे को बढ़ाऊंगी, नीचे की साइड पे छोड़ूंगी। जब 8 फंदे बढ़ जाएंगे तो मैं 8 फंदे कम कर दूंगी, फिर 8 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे तो फिर दूसरी के लिए हम स्टार्ट कर देंगे इसी कलर से। तो ये इसी तरह से आपका बनता जाएगा। देखो हमने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। आप और बड़ा बनाना चाहें इसी तरह से 20 फिंदों का बना सकती हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा आपका।